इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि यह क्या है ये इंटीग्रेशन है स्ट्रेटजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रेटी एंड एच आर एम तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटजिक गोल्स होते हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए जो है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना इंटरनेशनल लेवल पे वही चीज क्या हो गया इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटजिक डायरेक्शन ऑफ दी मल्टीनेशनल इंटरप्राइज इन अ डायनेमिक इंटरकनेक्टेड एंड हाईली कंपिटेटिव ग्लोबल इन्वॉर्मेंट यानी कि ग्लोबल इन्वॉर्मेंट में जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइज होते हैं यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसके कंसिस्टेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट कहलाता है वही इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है तो यहां पर जो फोकस होता है ना कि यहां पर सिर्फ वही नहीं कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग इसी पर नहीं बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है उसी को स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाते हैं

वो अपने करियर को ग्रो कर सकें तो सीनियर मैनेजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस रियल टाइम इंटेलिजेंस ऑन टीम परफॉर्मेंस हाउ दे प्रोड्यूस रिजल्ट एग्जीक्यूट प्रायोरिटीज एंड लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो यहां पे जो सीनियर मैनेजर है वो यहां पे जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कर सकता है वो भी रियल टाइम इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकता है टीम की परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकता है वो कैसे रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं प्रायोरिटीज किस चीज को दे रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के इंप्लाइज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीजों को यहां पे क्या है वो एक्सेस कर सकता है सिस्को कॉल दिस अ इज फिट्स वन एम्प्लॉक्स एक्सपीरियंस एंड इट सेम्स टू बी वर्किंग वन साइज फिट्स वन एम्प्लॉई एक्सपीरियंस और यह जो है उनके लिए इफेक्टिव भी है सिसको इज रैंक्ड नंबर वन इन फॉर्चुन बेस्ट हंडेड कंपनीज टू वर्क फॉर एंड इज एबल टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट टू हेल्प मेट बिजनेस गोल तो यहां पर जो बिजनेस गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो टॉप टैलेंट होता है उसको अट्रैक्ट करने में सिसको हेल्पफुल भी है सिसको जो है उसमें नंबर uh, वन आता है एक तरीके से क्यों क्योंकि यहां पर सिस्को टैलेंट क्लाउड और वहां पर जो है सभी एंप्लॉयज का डेटा वो स्टोर करके रखते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस उनके जो स्किल्स है उनके नॉलेज है उसको वो मॉनिटर भी कर रहे होते हैं रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है उसमें एक्सेस कर रहे होते हैं और उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में बेस्ट टीम को एम्प्लॉय करके उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटिक गोल है वो भी अचीव होता है और साथ ही साथ यहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हो रहा है तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो ये रेदर देन फोकसिंग ऑन इंटरनल इशूज ऑफ एचआरआर एम फोकस ऑन एड्रेसिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ट अफेक्ट पीपल मैनेजमेंट रिलेटेड इशूज इन द लॉन्ग रन ग्लोबली यानी कि ग्लोबली लॉन्ग रन में जो भी पीपल मैनेजमेंट यानी कि एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज होते हैं उसको सॉल्व करने में स्ट्रेटेजिक्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है सो द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इज टू इंक्रीज इंप्लाई स्किल्स बाई फोकसिंग ऑन बिजनेस प्रॉब्लम दैट हैपन आउटसाइड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो बिजनेस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉय को स्किल्स प्रोवाइड करना उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय के स्किल्स को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल इंटीग्रेशन देखिए रीजनल इंटीग्रेशन का कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं जब उस रीजन्स में जो भी कंट्रीज हैं वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं जिससे कि आसानी से ट्रेड किया जा सके एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में ह्यूमन रिसोर्स का एक्सचेंज किया जा सके एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में तो वही चीज़ रीजनल इंटीग्रेशन कहलाता है रीजनल इंटीग्रेशन एज अ प्रोसेस इन विच नेवरिंग स्टेट्स इंटर इंटू एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू अपग्रेड कॉपरेशन थ्रू कॉमन इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स तो यहाँ पे क्या है कि एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जाता है और जो है उसके तहत जो भी उसके कंट्रीज मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वो जो है आपस में कॉपरेट करते हैं चाहे वो ट्रेड को लेकर हो चाहे पॉलिटिकल को लेकर हो चाहे इकोनॉमिक को लेकर हो चाहे एचआर के ट्रांसफर को लेकर हो क्लियर जैसे कि नाफ्टा साफ्टा आसियन डब्ल्यू ये सब क्या है ये जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इनमें जो है मेंबर्स जो है मेंबर कंट्रीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्ट को लेकर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट कुड रेंज फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल टू इन्वॉर्मेंट तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है इन रीजनल इंटीग्रेशन का वो इकोनॉमिक की वजह से भी हो सकता है वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो सकता है या फिर वो एनवायरमेंटल हो सकता है रीजनल इंटीग्रेशन अलाउज कंट्रीज टू ओवरकम दीज कॉस्टली डिवीजन इंटीग्रेटिंग गुड्स सर्विस एंड फैक्टर मार्केट दस फैसलिटिंग द फ्लो ऑफ ट्रेड कैपिटल एनर्जी पीपल एंड आइडियाज तो रीजनल इंटीग्रेशन से क्या होता है कि जो भी कॉस्टली डिवीजन होते हैं गुड्स सर्विस और फैक्टर को लेकर उसको जो है ओवरकम करने में हेल्प करता है और जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रेड किया जा सके कैपिटल का मूवमेंट हो एनर्जी मूवमेंट हो पीपल का मूवमेंट हो आइडियाज का मूवमेंट हो जैसे कि आप कि इंडिया के लेबर चीप है यहां पर इंडिया में लेबर आसानी से आपको मिल जाता है सस्ते में तो क्या होगा अगर आ, इंडिया जो है किसी दूसरे कंट्री से इंटीग्रेशन करेगी तो इंडिया के जो पीपल होंगे वो आसानी से किसी दूसरे कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं तो इंडिया के लोगों को जॉब भी मिलेगी और सामने जो दूसरी कंट्री है उसको जो है सस्ते में लेबर भी मिल जाएगा तो ये इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से होता है तो जो डिफरेंट डिफरेंट

का इंटीग्रेशन किया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है कि अलग-अलग कंट्रीज -अलग आपस में एक साथ मिलती हैं और वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उसको जो है वो इंटीग्रेट करते हैं यानी कि एक दूसरे से जोड़ती हैं जो भी बैरियर्स होते हैं उसको हटाती हैं ताकि एक दूसरी कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस आसानी से कर सके तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है इंटीग्रेट किया जाता है अलग-अलग रीजन -अलग का तो वही चीज क्या हो जाती है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन अ ज्योग्राफिक रीजन तो किसी भी ज्योग्राफिक रीजन में जो भी

कि हम टैरिफ को हटा रहे हैं नॉन टैरिफ वेयर्स को हटा रहे हैं जस्ट ऑबियस बात है कि ताकि जो गुड्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजिली फ्लो कर सके सर्विसेज फ्लो कर सके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल अंतरप्रेन और ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजली फ्ली फ्लो कर सके तो इसके लिए जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ वेयर्स को हटाया जाता है और इसके लिए क्या जाता है एक इंटीग्रेशन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में तो दैट इज़ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नाफ्टा नाफ्टा में कुछ कंट्रीज हैं जिसको हम नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जिन्होंने एग्रीमेंट किया

O que... तो एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि कितने लेवल पे जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जा सकता है तो सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया यानी कि नॉर्मली एक कंट्री दूसरे कंट्री से एग्रीमेंट कर सकती है कि वो अपने यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एरिया प्रोवाइड करेगी जहाँ पे इजिली जो है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो सकता है दूसरे कंट्री से रिमूव टैरिफ अमाउंट मेंबर्स यानी कि नॉर्मल सी बात होगी क्या कि हम क्या कहते हैं कि जो टैरिफ होते हैं मेंबर्स कंट्रीज के बीच में उसको हम हटा देते हैं रिमूव कर देते हैं तो इस टाइप के लेवल इंटीग्रेशन को कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं तो मेंबर वन ऑन ट्रेड पॉलिसी टुअर्ट अदर्स यानी कि जो मेंबर्स होंगे मेंबर कंट्रीज होंगी उनके लिए तो हम फ्री ट्रेड प्रोवाइड करा देंगे यानी कि टैरिफ में हटा देंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ होंगी जो मेंबर इंटीग्रेशन की जो मेंबर uh, कंट्रीज़ नहीं होंगी उनके लिए अपना अलग सा रूल लागू किया जाएगा फ्री ट्रेड एरिया में वहीं पे है दूसरा लेवल कस्टम यूनियन यहाँ पर क्या होता है कि जो एफ यानी कि टैरिफ जो रिड्यूस किया जाता है वो तो होता ही होता है साथ ही साथ क्या होता है कि कॉमन ट्रेड पॉलिसी होता है टुवर्ड्स अदर यानी कि जो मेम्बर नहीं है जो मेबर कंट्रीज़ नहीं उस इंटीग्रेशन की उनके लिए भी एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी रेगुलेट किया जाता है तो उसको कहते हैं कस्टम यूनियन यहाँ पर भी क्या इंटीग्रेशन ही है

कॉमन मार्केट में कि आप जो है लेबर कैपिटल का जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट कर सकते हैं तो जब ये कंट्री प्रोवाइड करती है फैसिलिटी तो उसको कहते हैं कॉमन मार्केट इसी तरीके से फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक यूनियन यूनियन यानी कि यहां पे क्या होगा economic union में आप कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एरिया तीनों ही कैरेक्ट्रिस्टिक्स यहां पे पाई जाती है साथ ही साथ मॉनिट्री एंड फिजिकल पॉलिसीज बिटवीन मेंबर कंट्रीज आर हार्मोनाइज यानी कि जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमिक तो इंटीग्रेशन के उनके जो मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी होती है उसको भी हार्मोनाइज यानी कि एक जैसा कर दिया जाता है एक दूसरे के इक्वलेंट

दैट इज पॉलिटिकल यूनियन इकोनॉमिक यूनियन में एक पॉइंट और है कि कॉमन करेंसी इज यूज सच एज विथ यूरोपीन यूनियन तो जैसे कि मैंने बताया कि यूरोपिनियन यूनियन बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया जहाँ पे यूरो मैक्सिम कंट्रीज में यूरो जो है करेंसी यूज किया जाता है एक्सचेंज के लिए तो दैट इज इकोनॉमिक यूनियन यहाँ पे मोनिट्री फिजिकल पॉलिसी क्या होती है एक हो जाती है सारी कंट्रीज की एक तरीके से तो उसको इकोनॉमिक यूनियन वहीं पर जब पॉलिटिकल सारी चीज़ें जो पोलिटिकल लीडरशिप uh, होती है वो जब एक हो जाती है सारी कंट्रीज़ की तो उसको कहते हैं पोलिटिकल यूनियन कहते हैं रिप्रेजेंट द पोटेंशली मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ ऑफ इंटीग्रेशन विद ए कॉमन गवर्नमेंट यहां पे क्या होता है कि कॉमन गवर्नमेंट हो जाता है पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है एक हो जाती है सारी कंट्रीज के लिए तो होती है पॉलिटिकल यूनियन तो नॉर्मली आप जो है अभी तक जो भी इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे आगे वो नॉर्मली आपको एफटी ए कस्टम यूनियन में भी कॉमन मार्केट ही मिल जाएगा इकोनॉमिक यूनियन का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दैट इज ई जो यूरोपियन यूनियन है वो बाकी पॉलिटिकल यूनियन अभी तक इमेजरी है अभी ये रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है तो ये जो है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो फ्री ट्रेड पहले होगा फिर हो कस्टम यूनियन हो, हो सकता है फिर या कॉमन मार्केट हो सकता है फिर इकोनॉमिक यूनियन हो सकता है फिर पॉलिटिकल यूनियन आप कर सकते हैं अब हम एक एक करके देख लें सभी यूनियन को इंटीग्रेशन को तो सबसे पहले ई EU, यानी यूरोपियन यूनियन नाम से क्लियर है जो यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थे उनका आपस में यूनियन डेवलप हुआ और उसी को क्या कहा गया यूरोपियन यूनियन नॉर्मली क्या होता था, था कि यूरोप सेक्टर के जो कंट्रीज थे वो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे फाइट कर रहे थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि सभी देशों को एक साथ मिला लिया और उस यूनियन को क्या कहा गया यूरोपियन यूनियन कहा गया द यूरोपियन यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज इन यूरोप तो यूरोप में जो ट्वेंटी कंट्रीज है उन्हीं के ग्रुप को क्या कहा गया यूरोपियन यूनियन दीज कंट्रीज केम टू टू मेक थिंग्स बेटर इजियर एंड सेफर फॉर पीपल तो ये सारी कंट्रीज एक साथ आए ताकि जो पीपल के लिए खत्म हो, हो जाए सारी चीजें ईजी हो जाए और सेफ रहे पीपल वहां के लोग वर्क टूगेदर एंड हेल्प ईच अदर तो ये सत्ताईस कंट्रीज के हैं आपस में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए साथ में आगे यूरोपियन यूनियन इसीलिए बना तो फाउंडेड ऑन फर्स्ट नवंबर नाइनटीन तो यूरोपियन यूनियन कब फाउंड हुआ एक नवंबर उन्नीस सौ तिरानवे यूरोपियन यूनियन एक्जिट और हेड क्वार्टर इसका जो लोकेटेड है वो है ब्रसल बेल्जियम में तो ब्रसल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का द यूनाइटेड किंगडम विदड्रो फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इससे पहले अट्ठाईस कंट्रीज थे लेकिन सत्ताईस कंट्रीज अभी बचे हुए हैं और एक जो यूनाइटेड किंगडम था वो भी यूरोपियन यूनियन का जो है मेम्बर uh, था लेकिन इकत्तीस जनवरी दो हज़ार बीस को उसने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया तो अब जो है करेंटली सत्ताईस कंट्रीज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं तो द आइडिया टू तो मेक द यूरोपियन यूनियन केम आफ्टर टू बिग वॉर्स हैपेंड इन यूरोप तो यूरोपियन यूरोप में जो आप, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में ही दो बड़े युद्ध कर चुके हैं तो, था। to तो उनको क्या लगा कि एक साथ मिलकर काम करना ज्यादा अच्छा है जबकि एक साथ दूसरे से फाइट करने से ज्यादा अच्छा है कि एक साथ मिलकर काम किया जाए तो इसलिए यूरोपियन यूनियन बना जहां पर सत्ताईस कंट्री यूरोप के जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं पीपल की बेटरमेंट के लिए तो ऑब्जेक्टिव अगर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है ईयू का तो बट बत आप बोलते बत हैं मेन ऑब्जेक्टिव इज टू तो प्रमोट पीस एंड इंप्रूव द वेलविंग ऑफ नेशन तो जो भी नेशंस हैं उनके वेलविंग को इंप्रूव करना और पीस यानी कि शांति बनाए रखना ही जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और ये टू क्रिएट ए फ्री एंड सेफ यूरोप विथ नो इंटरनल बॉर्डर तो यूरोप के अंदर जो है कोई भी इंटरनल बॉर्डर ना हो जो कंट्रीज अलग अलग हैं सत्ताइस उनके बीच में कोई इंटरनल बॉर्डर ना हो और एक सेफ और फ्री जो है यूरोप क्रिएट किया जाए ये मेन ऑब्जेक्टिव है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का टू इंश्योर स्मूथ एंड एफिशियंट ट्रेड

पे यूरो आप जानते हैं यूरो तो यूरोप में यूरो में ही जो है ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और उसी को इकोनॉमिक इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी लोग उसी यूरो में ही बिजनेस को डील करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन हो गया इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आपस में बिजनेस करने आई और फ्री ट्रेड एरिया प्रोवाइड किया एक दूसरे के लिए तो दैट इज नॉर्थ अमेर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा इसका नाम जो है अब चेंज हो गया है तो पहले ही स्टार्टिंग में जब जो तीनों कंट्रीज आपस में आए तो उस वक्त इसको क्या कहा गया था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा तो ये एक जनवरी उन्नीस को जो है फाउंड हुआ और ये क्या था कैनेडा मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी जहाँ पर फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये जो है एग्रीमेंट हुआ था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम में

अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक दूसरे कंट्रीज में बढ़ावा देना टू प्रोवाइड एडुकेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू आई पी आर यानी कि इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट तो इसको भी जो है एडुकेट जो है रिसोर्सेस प्रोवाइड करना और उसको प्रोटेक्ट भी करना एक दूसरे के आईपीआर को ये इन तीनों कंट्रीज का जो है मेन मोटिव था इसके लिए उन्होंने ट्रेडी साइन की जिसका नाम था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अब जो है यूएसएमसी हो गया यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो गया है तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज आपस में यूनियन बनाती हैं इंटीग्रेशन करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं अलग अलग नाम से जानते हैं तो ई यू देखा आपने पर सत्ताईस कंट्री एक साथ आई ताकि लड़ाई झगड़े ना हो सभी के वेलबिंग के लिए काम किया जाए तो था यूरोपियन EU, यूनियन इसी तरीके से आ, कनाडा, मैक्सिको यूनाइटेड एक साथ आए तो इन तीनों ने एग्रीमेंट किया वर्किंग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी या प्रमोशन पॉलिसी क्या, मतलब क्या होगी हो इन सबसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस जो एग्रीमेंट uh, होता है उसी को लेबर स्टैंडर्ड कहा जाता है तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि रिफर्स टू कन्वेंशन एग्रीड अपॉन बाई इंटरनेशनल एक्टर तो जो इंटरनेशनल एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल परफॉर्म करने में उनके द्वारा जो भी कन्वेंशन पे एग्रीड हुआ था कन्वेंशन कहने का मतलब एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स कवरिंग पर्टिकुलर मैटर तो जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है जिससे कि जो है बेसिक वर्कर राइट्स को डिसाइड को किया जाता है वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को जो है इंप्रूव किया जाता है ग्लोबल स्केल पर तो यही चीज इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कहलाता है यानी कि इंटरनेशनली जो लेबर्स काम कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके कर रहे हैं या फिर दूसरे कंट्री से किसी तीसरे कंट्री में जाके कर रहे हैं तो उनके क्या लेबर से रिलेटेड स्टैंडर्ड होने चाहिए उनके लिए जॉब सिक्योरिटी से क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उनके लिए क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए उनका टर्म्स क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड जाते हैं उसको ग्लोबली ग्लोबल स्केल तो उसको क्या कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कहा जाता है तो जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है वो अलग अलग एरियाज को कवर करता है जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हो गया इसको जो है डिसाइड किया जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड हो गया वेजेस क्या होंगे वर्किंग टाइम क्या होगा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और प्रमोशन क्या होगा वोकेशनल गाइडेंस और ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको क्या प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए जो है क्या जो है वहाँ पर स्टैंडर्स सेट किए जा रहे हैं लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन से रिलेटेड मेटर्निटी प्रोटेक्शन सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल एंड माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट किया जाता है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस है वो सेट किया जा जाता है ग्लोबल स्केल पे तो यही चीज़ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कहलाता है तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड में आप देखेंगे आई आता है क्या आता है आई एल क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करती है और करंटली यहाँ पे 187 एटी सेवन मेम्बर स्टेट हैं यानी कि अलग अलग एक कंट्रीज हैं इस आई से रिलेटेड हैं और वो जो है लेबर स्टैंडर्ड्स को जो कि ग्लोबली स्केल पर सेट किया गया उसको फॉलो करते हैं द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी हुज मैनेडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रो सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड तो यहाँ पर क्या है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट किया जाता है आई एलओ ब्रिंग्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड वर्कर ऑफ वन एटी सेवन में वन एटी सेवन हैं उनके गवर्नमेंट उनके एम्प्लॉयर उनके वर्कर को एक साथ लेके आती है टू सेट लेबर स्टैंडर्ड डेवलप पॉलिसीज एंड डिवाइस प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन तो जो एक डिसेंट वर्क जो है सभी वुमेन और मैन के लिए जो है क्रिएट किया जाए लेबर स्टैंडर्स बनाया जाए पॉलिसीज डेवलप किया जाए उस रिलेटेड उसके लिए जो आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वन एटी सेवन मेंबर कंट्रीज के गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर को वर्क

रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थी बेल्जियम क्यूबा चिकोस्लोवाकिया फ्रांस इटली जापान पोलैंड यूके एंड यूनाइटेड स्टेट इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे लेबर कमीशन में और ये लेबर कमीशन चेयर किया गया था सैमुल गोफर द्वारा तो नाइनटीन में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलो जो है फॉर्म हो चुका था इसमें वन मेंबर स्टेट हैं वन कंट्रीज हैं जिसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और वर्कर एक साथ आते हैं और लेबर स्टैंडर्ड को सेट करते हैं पॉलिसीज बनाते हैं और प्रोग्राम जो है डिवाइस करते हैं और प्रमोट करते हैं जिससे कि एक डिसेंट वर्क जो है कंडीशन जो है वर्किंग कंडीशन जो है वोमेन और मैन को और उनकी फैमिलीज को जो है प्रोवाइड किया जा सके इंटरनेशनल स्केल पे ग्लोबल स्केल पे